मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे बेटे को एक गंभीर बीमारी हुई है, दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया पर उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। अब अगर भगवान जी चाहे, उनकी कृपा हो तो ही मेरा बेटा। मैं सोच रहा हूँ कि बापू जी आप यही सोच रहे हैं ना कि इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका चिंतन को दिया जाए। हाँ। इस वक्त इस मटकी की सबसे ज्यादा जरूरत चिंतन को है। हाँ चिंतन बेटा, अगर तुम ये मटकी फोड़ोगे ना तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, ये इच्छा पूर्ति मटकी है ना, वो चिंतन का जीवन वापस लेके आएगी। आप लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, इच्छा पूर्ति मटकी चिंतन फोड़ेगा। हाँ। ये इच्छा पूर्ति मटकी हमें एक साधु महाराज ने भेंट की है और उन्होंने कहा है कि जो भी इस इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ेगा ना, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हम लोग अभी चिट्ठी खींच के यही तय करने वाले थे कि ये इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा, और उतने में आप लोग आ गए। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि ये इच्छा पूर्ति मटकी चिंतन फोड़े। जा बेटा जा, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ के भगवान से अपनी जिंदगी मांग ले। हाँ। हाँ। पर आप सबकी इच्छा? हमारी इच्छा तो जिंदगी में कुछ पाने की है, लेकिन तुम्हारी इच्छा जिंदगी को पाने की है। तुम्हारी इच्छा हमारी इच्छा से बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली, इसलिए ये मटकी चिंतन तुम ही फोड़ना। हमें भी ऐसा ही लगता है चिंतन। वाह बबीता जी वाह। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग कितने अच्छे हैं। किस तरह आप सबका धन्यवाद करें। आप लोगों को हमारा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ना चिंतन के ही भाग्य में होगा। हाँ। साधु की वाणी में सरस्वती का वास होता है, भगवान करे उनकी वाणी सत्य हो। जरूर होगा, आप मानोगे तो सच ही है। वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी। कृष्ण भगवान का नाम लेकर मटकी फोड़ो, देखना भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। यस यस। तुम्हें मटकी फोड़ने में बहुत मजा आएगा। कम ऑन चिंतन, यू कैन डू इट। पर चिंतन ऐसे ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ पाएगा? अरे आंटी आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, टप्पू सेना है ना। हाँ। हम सब मिलके उसे मटकी फुड़वाएंगे। और नहीं दोगे? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गिरधर गोपाल की जय। आला आला गोविंद आला। एक मिनट बेटा, पता है ना इच्छा पूर्ति मटकी से क्या मांगना है? क्या मांगू पापा? इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ते वक्त भगवान जी से कहना आपकी सारी बीमारी दूर कर दे। हाँ बेटा, और तुम्हें नया जीवन दे। बेटा जा, हाँ हाँ जा, फोड़ दे मटकी है, तबू ले जा इसे, जा। बेटा संभाल। टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, एक और बार, वन मोर टाइम, चल। अरे डरिया मत, ठीक है ठीक है, बीमार है भगवान, कोई लगी तो नहीं ना? ठीक है ठीक है, मैं तेरे साथ आता हूँ, मेरे साथ चल। आजा 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 आजा, कृष्ण भगवान, मेरे बेटे की इच्छा पूर्ण करना, पूर्ण करना। इंसान फोड़ दे मटकी, इंसान मटकी फोड़ दे, फोड़ दे। हेलो 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 मिस्टर मेहुल। हाँ डॉक्टर साहब, एक मिनट। हाँ बोलिए। मिस्टर मेहुल, कांग्रेचुलेशन, हमने 3 दिन पहले जो चिंतन की रिपोर्ट करवाई थी वो अभी अभी आई है, और गुड न्यूज़ ये है कि चिंतन की बीमारी डायग्नोस हो गई है और उसका इलाज भी है। क्या? हाँ, मुझे लगता है चिंतन जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। आप शाम को हॉस्पिटल आ जाइए, हम जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे रुको भाई लोग, सुनो, अरे बंद करो। रुक जाओ। चिंतन के डॉक्टर का फोन आया था, उसकी बीमारी का पता चल गया है। उन्होंने कहा चिंतन ठीक हो जाएगा। अरे क्या क्या सच में साधु महात्मा की वाणी सच थी। ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी थी। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा चिंतन, तू ठीक हो जाएगा बेटा, तू ठीक हो जाएगा। देखा, मैंने नहीं कहा था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हे गिरधर गोपाल, तेरी लीला अपरंपार है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो इच्छा पूर्ति मटकी की। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आज आप लोगों की वजह से मेरे बेटे को नई जिंदगी मिल गई। हाँ, अभी मेरे बेटे ने इच्छा पूर्ति मटकी से इच्छा मांगी और भगवान ने वो पूरी भी कर दी। अरे मम्मी पापा, मैं तो मटकी फोड़ते वक्त कोई इच्छा मांगी ही नहीं थी। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बेटा, तुमने इच्छा पूर्ति मटकी से इच्छा मांगी होगी, तभी तो तुम्हारी बीमारी का निदान हुआ और तुम्हारा इलाज भी मिल गया। नहीं पापा, मैंने अपने लिए इच्छा पूर्ति मटकी से कुछ नहीं मांगा था। तुमने सच में अपने लिए कुछ नहीं मांगा? नहीं बेटा। तो फिर मटकी फोड़ते हुए तुमने क्या मांगा था? हाँ बेटा, क्या मांगा तुमने? इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ते वक्त मैंने भगवान से मांगा कि दुनिया में सब खुश रहे, सबका कल्याण हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो। क्या? हाँ पापा, मटकी फोड़ते वक्त मुझे लगा भले ही इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है, लेकिन क्यों सिर्फ मैं अपने लिए इच्छा मांगू, इसीलिए मैंने सबके लिए खुशियां मांगी। क्या? वाह 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 बेटा वाह, कितने उच्च विचार है तुम्हारे। लेकिन कमाल है नहीं, चिंतन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा फिर भी उसकी इच्छा पूरी हो गई। के जेठिया, चिंतन ने मटकी फोड़ते वक्त अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की इच्छाएं पूरी हो ऐसी प्रार्थना की। इसलिए भगवान ने सबसे पहले चिंतन की इच्छा पूरी कर दी। सही बात है। वाह बेटा वाह, मृत्यु की सेज पे खड़े रहते भी तूने दूसरों की इच्छाओं के बारे में सोचा। वाह शाबाश शाबाश। हम सब इच्छाओं के महासागर में गोते लगा रहे थे और ये बच्चा वहां से मोती ले आया। यही फर्क होता है स्वार्थ और परमार्थ के बीच। जो खुद के लिए सोचता है वो स्वार्थी और जो दूसरों के लिए सोचता है वो परमार्थी। किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों के सुख के लिए सोचता है भगवान उसके सुख का ख्याल रखता है। इस इच्छापूर्ति मटकी ने हम सबको बहुत बड़ी सीख दी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल की जय। बजा ढोल तो बड़ा कुछ नहीं अंजलि, मैं बस ये सोच रहा था कि पिछले 2 दिनों में कितना कुछ हो गया ना। अचानक से एक साधु महाराज ने गोकुलधाम वासियों को इच्छापूर्ति मटकी दे दी और उस इच्छापूर्ति मटकी को लेकर हमारे मन में कितनी सारी बातें आ गई ना। लेकिन उस इच्छापूर्ति मटकी को फोड़ने का सौभाग्य चिंतन को मिला। चिंतन को जीवन दान देने के लिए भगवान ने कैसा संयोग रचा। सच। लेकिन अगर ये इच्छापूर्ति मटकी चिंतन तक ही पहुंचनी थी तो ये हमें क्यों मिली? अंजलि, ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया। अब भगवान श्री कृष्ण को देख लो, पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध एक ही पल में समाप्त करने का सामर्थ्य रखने के बाद भी उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया। अब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में देख लो, हमारे हाथी भाई वो हमेशा अपने पेशेंट के लिए तैयार रहते हैं। अपनी सेहत से ज्यादा उन्हें अपने पेशेंट की सेहत की चिंता लगी रहती है। हमारा भिड़े, जब उसका विद्यार्थी सफल होता है तो उसे कितनी खुशी मिलती है। हमारा अय्यर, आने वाली पीढ़ी का जीवन सरल बने उसके लिए अलग अलग प्रकार की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करता है। हमें हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए और दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो फिर आज आप मेरी एक इच्छा मानेंगे? अंजलि, तुम्हारी एक नहीं, हर इच्छा सराखों पर। तारक, मैंने आज आपके लिए कुछ खास बनाया है, आपको वो खाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो मैंने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। क्या हुआ? नहीं अंजलि, आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तारक, आपने अभी तो कहा ना कि हमें दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, तो फिर क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? आप आग बंद कीजिए, मैं अभी लाई। हाँ। तारक, मैंने कहा था ना आपको आंखें बंद करने के लिए, आप चीटिंग कर रहे हैं। सॉरी। आंखें बंद करनी है और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें मत खोलना। नहीं। नो चीटिंग। टाडा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अंजलि, आंखें बंद है। सॉरी, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अंजलि, ये तो मेरे मन की इच्छा थी जो पूरी हो गई। आपने ये भी तो कहा था ना कि दूसरों की इच्छा पूरी करने में खुशी मिलती है। तुम्हारे इस प्यार की वजह से ना मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? ठीक है, मैं ले जाती हूँ। नहीं। थोड़ी भूख बची है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दही हंडी का उत्सव प्यार और भक्ति की वजह से महोत्सव में बदल गया। सबके मन पर और चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिल गया और साथ में हमें एक सीख भी मिल गई। मन इच्छाओं का जनेता है, हर पल मन में एक नई इच्छा जन्म लेती है, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं पर संयम रखना चाहिए और दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। भूख लगने पर मन में विचार आते हैं कि हम अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक पल की रोटी नसीब नहीं होती। हम लोग हर रोज नए सपने देखते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके भाग्य में नींद नहीं। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो भगवान अपनी कृपा सदैव हम पर बनाकर रखेंगे। तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं। उनका जीवन उत्सवमय होता है। जो दूसरों की भूख मिटाते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। बागेश्वर जी, आप अभी तक यहीं पर है? काम का समय तो कब का खत्म हो गया। चलिए ना, जल्दी जल्दी दुकान बंद कीजिए। तू कौन होती है भाई हमको बोलने वाले दुकान बंद करने का? देखिए सेठ जी, माना कि आप सेठ जी है, पर सेठ जी होने का भी एक टाइम होता है। क्या? सुबह 9 बजे जब दुकान खुलती है तब से लेकर रात को 9 बजे जब दुकान बंद होती है तब तक। और अब तो 10 बज रहे हैं, अब ओवर टाइम हो गया है। अभी हम बागेश्वर जी को दुकान में नहीं रोक सकते, और दुकान के बाद हमारी भी कोई जिंदगी है कि नहीं।